द ऑफिशियल प्लीज टेक देयर चार्ज ऑन कोर्ट थैंक यू। और अगले जो मैचेस हुए हैं उनके खिलाड़ी अजय मरावी मंच पे आए और अपना अवार्ड लेके जाए और उनको अवार्ड देंगे दुर्गेश साहू, तो आप कृपया मंच पे आए। अजय मरावी जहां कहीं भी आप मंच पे आए। मैच स्टार्ट हो गया है, 7 नंबर मेरे डरा है। पहला रेड लेकर अच्छा है रेड पर शुभम, एक बार फिर से वही जोड़ी देखने को मिल रहा है। कुशल कल भी रेड कर रहे थे, शुभम कल भी रेड कर रहे थे अपने अपने टीमों के लिए। बोनस का प्रयास हुआ है और यहां पर राइट कॉर्नर को शिकार बनाया है। बोनस प्लस 1 पॉइंट इसी के साथ खाता खुला है मुंजली को। रेड पर बहुबली 1 नंबर में प्यार से इन्हें दर्शक बहुबली कहते हैं। बोनस का प्रयास हुआ है, स्कोर 1 और 2 का। बड़ौदा बाजार को भी खाता खुला है। अच्छा यहाँ पर टैकल देखने को मिला, डब आइस दे गए बिल्कुल लॉक कर दिया 6 नंबर के खिलाड़ी। खुशी है रेट पर, लगातार यह खिलाड़ी रेट करते हैं। शुभम है रेड पर, हट्टे कट्टे रेडर में शुभम, यह भी बहुबली से कम नहीं है। 2-2 का स्कोर। अच्छा टैकल लगा है, ये दूसरा टैकल बड़ौदा बाजार की तरफ से डिफेंस में दूसरा टैकल, एक ही कामयाब टैकल, एक एक के तीन खेल के मारे हैं। मनोज वाली रेट पर राइट कॉर्नर पे जो डिफेंडर है विशाल, बहुत ही सादा डिफेंडर है। तीन दो का स्कोर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे अतिथि और दो बार डायरेक्ट आ गया है यहां पर। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है, राजनीतियां साफ है, आपको टच पॉइंट लाना पड़ेगा अन्यथा यहां पर। और यहां पर अक्टिव लगा है विशाल, हम अच्छा कहकर अचानक से आया है, डबल था इसको लॉक किए बिल्कुल, रोलर को पता ही नहीं चलने दिए। 3-3 का स्कोर है, बड़ौदा बाजार 3 मुंगेली 3। यहां पर टच का दावा कर रहे हैं दीपक, अच्छा टच लगा है। 4 नंबर के खिलाड़ी वो बाहर किए हैं। मनोज वाले रेड पर टच लगा है इस बार,
बात यह है एक रेडर ने रेडर को बाहर कर दिया है इस बार। बोनस का प्रयास है शुभम की तरफ से, लेकिन यहां पर डिफेंडर एक्टिव थे, इस बार दबेच लिए गए। कुशल आ गए अंदर, इधर पांच का डिफेंस कायम है। कुशल के लिए बोनस ऑफ है इस बार भी, और प्रयास लगातार कर रहे हैं। ड्राइव कॉर्नर को शिकार बना है, बड़े डिफेंडर्स को बाहर किया है। गुस्सा बड़ौदा बाजार 6-4 मुंगेली, अब चल रहे हर्ष तनवर रेट पर एक नंबर में, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है हर्ष तनवर। लंबी हाइट है, और यह जो है लीग का ये लास्ट मैच है, उसके बाद नॉकआउट मैच चलेंगे, क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। घमासान मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इसके बाद नॉकआउट मैच रहेगा। चार का जो डिफेंस कायम है कुछ नहीं, बहुबली रेट पर एक तरफ से हर्ष तनवर, इधर बोनस ऑन है हर्ष के लिए, और यहां पर अच्छा शिकार बनाए हैं, बाहर का रास्ता दिखाए इस बार बाहुबली को, बेच के शिकार के है। अच्छा रणनीति ऐसे कर सकते हैं, एक रेडर नजर भी रेडर को बाहर करे कबड्डी में, तो इससे अच्छा रणनीति कुछ नहीं हो सकता है। कुशल चले हैं इधर से, पांच का डिफेंस टाइम है, खाली है अपने कोर्ट में। राइट से रेडर है, कुशल भी राइट से रेडर है, और कौन सफल रहते हैं ये देखना है। 6-5 का स्कोर, और ये भी मैच जो है डायरेक्ट आ गया है। पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, टच पॉइंट लाना पड़ेगा। लगातार प्रयास भी हो रहा है, 6 नंबर के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं कहां से हमें वो पॉइंट मिले। ओहो ये क्या, इतना अंदर आपको जाना नहीं था, एक्टिव है वहां पे डिफेंडर्स। मेडिकल वाले कहां है ध्यान दें, इधर थोड़ी सी चोट लगी है मुंगेली टीम के खिलाड़ी को। टच का दावा कर रहे हैं इस बार, टू टच, क्या ये टू टच लगा है, यहां बिल्कुल टू टच है। इसी के साथ स्कोर 1 पॉइंट से लीड पर मुंगेली। और अभी अभी मेडिकल टीम को बुलाया गया है, इतना आसान नहीं है कबड्डी खेलना जितना आपने सोचते हैं। बोनस का प्रयास अलग हुआ था, हर्षा है रेट पर, सुपर टैकल, सॉरी 4 का डिफेंस है। लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे प्रयास कर रहे हैं टॉप टच का, इनका ये अच्छा स्किल है, लगातार जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं टॉप टच करके इतनी फुर्ती के साथ अपने कोर्ट में वापस भागते हैं। हेलो कुशल चल रहे हैं, हेलो नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे इस मैच के तुरंत पश्चात। पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के मध्य। शुभम के है, 4 का डिफेंस है,
क्या शुभम को यहाँ पे कैच करेंगे या फिर शुभम पॉइंट लेके जाएंगे? हेलो, लगातार प्रयास करें। नाक आउट दौड़ का मैच खेला जाएगा, आगाज होगा क्वार्टर फाइनल से। पहला मैच खेला जाएगा कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के मध्य। दोनों ही टीम के लिए प्रथम पुकार, तैयारी प्रारंभ करें। कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा, इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा कबड्डी सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के मध्य। दोनों टीम के लिए प्रथम पुकार। यहाँ पर डूंगा डायरेक्ट में कुशल ने पॉइंट निकाले हैं, अच्छा पॉइंट, अच्छा अनुभव के साथ रेड कर रहे थे। उधर से भी डूंगा डायरेक्ट, कुशल तो मंगल कर गए। क्या यहाँ पर हर्ष मंगल करेंगे अपने टीम के लिए? क्या सेफ खाएंगे पॉइंट लेकर? डूंगा डायरेक्ट है, अच्छा रेड का पॉइंट, ये तो सुपर रेड लगा दिए है यहाँ पर। तीन खिलाड़ी को बेंच का रास्ता दिखा दिया है। पूछे चल है रेट पर और महत्वपूर्ण खिलाड़ी बच गए हैं बोर्ड पर, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी कूद को कभी स्लिप, बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस उन्हें मिला। फिर से हर्ष गए है, क्या हर्ष इस बार 2+2 फोर पॉइंट लेके आएंगे या सुपर टैकल करेंगे? अगर जो सुपर टैकल करेंगे तो स्कोर जो है वो इक्वल हो जाएगा, 8 पॉइंट बलौदा बाजार, 10 पॉइंट मुंगेली। और यहां पर क्या ये सुपर टैकल सफल है? हाँ, यहां पर बिल्कुल सफल है, उसी के साथ स्कोर 10-10 का हो गया है। अच्छा है कुशल रेट पर, कहां बलौदा बाजार यहां पर ऑल आउट होने वाले थे और यहां पर अच्छा टैकल लगा है, डाई लगाया, टीम का सपोर्ट आया। हर्ष वापस अंदर आ गए अपने कोर्ट में, शुभम चल है रेट पर, अभी भी सुपर टैकल जारी है। क्या यहां पर एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा? जी नहीं, यहां पर एक्टिव है इस बार शुभम, अच्छा पॉइंट, महज बेला खिलाड़ी बच रहे हैं। चेंज किया जा रहा है, चार नंबर के खिलाड़ी बाहर गए हैं, 12 नंबर के खिलाड़ी अंदर आए हैं। सचिशन में महज बेला खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर, और यहां पर इस बार अच्छा डिफेंस, अच्छा टैकल विशाल की तरफ से, हमने सर कहा है। और बता दें कि पूरे मैच में एक एक ही टाइम आउट लेना है आपको, तो दोनों तरफ से कोच साहब ने अपने अपने मंत्र खिलाड़ियों को दे दिए हैं। कुछ है रेडर चल गए एक नंबर में, हर जिला आ गए हैं एक नंबर के खिलाड़ी मनोज वाले रेड पर। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा है, बाहर रखे हैं। अच्छा टैकल एक बार फिर से, 12 नंबर के खिलाड़ी दीपक ने कैच किए हैं और दीपक एक रेडर राइट कॉर्नर के इन पे खेल रहे थे, अच्छा एंकल होल्ड उठा लिया उन्होंने। 11-16 का स्कोर हो गया है, बड़ौदा बाजार 11-16 मुंगेली। शुभम रेट पर बोनस का प्रयास किया है, सफलतापूर्वक बोनस मिला उनको। ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, 7 हाफ टाइम स्कोर बता दें, 11 बलौदा बाजार 17 मुंगेली। क्या है
शुभमा है रेड पर सात नंबर में, और यहां पर छह का डिफेंस है, गुंडा शॉन है शुभम के लिए। फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे शुभम अपने टीम के लिए। कुशल चले हैं नेट पर, इधर भी सात नंबर के खिलाड़ी, सात का पूरा डिफेंस कुशल के लिए तैयार है टैकल करने के लिए। बहुत ही बढ़िया फुक्सर दिखा रहे हैं, राज कपूर को हालांकि शिकार बनाने का प्रयास हो रहा था। वही रेडर हस्तन पर फर्स्ट हाफ में एक सुपर रेड लगाए थे, स्कोर हम बता दें बलोदा बाजार 11 मुंगेली 17। दोनों तरफ के खिलाड़ी शादी रणनीतियां तैयार करें दो बार डायरेक्ट पे खेलने के लिए, क्योंकि हाफ टाइम का मुकाबला चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। भाई ब्रॉडबैंड लगा है, नेट लगाओ, नेट के जरूरत है बताना, लाइव चलाने लगातार प्रयास कर रहे हैं 11 नंबर के खिलाड़ी, सब किचन पे आए हैं शुभम के लिए। पर क्या डुआ डाई में पॉइंट निकालेंगे या फिर यहाँ पर डिफेंडर सेक्टिव है जो नहीं यहाँ पर चकमा दे रहे हैं तीन नंबर के खिलाड़ी को, बिल्कुल आगे से टर्न की फोर्स लगाए, इधर भी दो अटैक आ गया है कुशल के लिए। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने तो विशाल है भाई राइट कवर पे, बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है, बिल्कुल संयम नहीं छोड़ता है, और यहां पर दो रेड पॉइंट का शायद मांग हो रहा है कुशल की तरफ से, फ्लाइंग टच किए हैं ऑफिशियल पॉइंट, एक खिलाड़ी डिफेंडर आउट है तो यहां पर रेडर भी आउट है, कुशल को बाहर जाना पड़ेगा। यहां पर मनोज बाली अंदर आ गए हैं, बलोदा बाजार 12-19 मुंगेली, फिर से हाफ टर्न पर रेड पर, पांच का डिफरेंस बोनस ऑफ हाफ टर्न पर के लिए। चलो हम मनोज बाली रेड पर, पहले हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा गया है, क्या सेकंड हाफ में हुई हाफ वर्ल्ड डिफेंडर से यहां पर इनको शांत रखेंगे या फिर बहुबली वाला काम करना चालू कर देंगे। लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट के लिए वापिस अपने कोर्ट में, 12 बलोदा बाजार 19 मुंगेली, शुभम चले हुए घर से रेट पर, पांच का डिफेंस कायम है, लगातार सफलिंग कर रहे हैं, कहां से कौन टूटे, लेकिन यहां पर अच्छे अच्छे डिफेंडर्स कुछ भी आप कर ले टूटते नहीं है। दो नंबर के खिलाड़ी यह है दो बार डायरेक्ट आ गया है फर्स्ट नंबर के लिए, इस बार मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्योंकि पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, और यहां पर अच्छा टैकर दो नंबर के खिलाड़ी, अच्छा टैकर किया है इस बार, दो बार डायरेक्ट है से भी और यहां पर संयम को चार नंबर के डिफेंडर
था, आपको सैयद बना के रखना था क्योंकि बोनस था नहीं, रेडर को पॉइंट चाहिए था, वो टच पॉइंट करते फिर से शुभम चले रेड पर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आप सभी का स्वागत है। और ये क्या इस बार शुभम ने शायद मल्टीपल रेड पॉइंट किया है, ये रेड पॉइंट एक रेड में बोनस का भी मांग कर रहे थे। अच्छा रेड यहां पर देखने को मिला, 7 पॉइंट से 72 है मुंगेली। क्या इस लीड को बहुबली तोड़ेंगे? फर्स्ट हाफ में बिल्कुल उनको साथ रखा गया है। इस बार प्रयास अच्छा था, 11 नंबर के खिलाड़ी जो एंकल होल्ड किए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं। और हमारे दर्शक देखना भी चाहते हैं बहुबली को। पंद्रह 21 का स्कोर हो गया है, 6 पॉइंट से 72 मुंगेली। खाली है वापस अपने कोर्ट में, फिर से चल है मनोज वाले रेट पर। इधर 5 का डिफरेंस है बोनस ऑफ है मनोज वाले के लिए, और मनोज वाले के सामने में विशाल है 6 नंबर में। क्या विशाल टैकल करेंगे या फिर बिल्कुल संभाल के खेल रहे हैं मनोज वाले, क्योंकि यहां पर उनको ऐसा शायद लग रहा है कि ऑल आउट करेंगे टीम को, क्योंकि स्कोर भी चाहिए उनको टीम को। 6 पॉइंट से 72 है मुंगेली। कुशल चले हैं रेड पर, इधर भी 5 का डिफरेंस कायम है। लगातार कुशल शफलिंग कर रहे हैं, पॉइंट के लिए जरूरत भी है। हालांकि भाई दुआ डायरेक्ट करो या मरो की स्थिति में गए हैं शुभम इस बार। बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस दुआ डायरेक्ट था, और यहां भी दुआ डायरेक्ट आ गया है। कुशल के लिए भी दुआ डायरेक्ट है, इधर तो बोनस लिया है भाई। स्केप किया है, और ये क्या सुपर एड, अच्छा एड यहां पर। एक बार फिर से वही पहला दिन वाला वो याद दिला दिए, एक रेड में 6 रेड पॉइंट अब तक के यहां पर टूर्नामेंट में जो पॉइंट निकाले हैं स्कोर किए हैं 6 रेड पॉइंट वाले। क्या उसको रिकॉर्ड तोड़ेंगे दुर्गेश ने काम? एक रेड में 6 रेड पॉइंट लेके आए थे, ऑल आउट पूरी टीम को कर दिए थे। 4 डिफेंडर थे, पहले जंप लगाए थे उसके बाद स्केप किए थे। हर्षा है रेड पर, और यहां पर सरप्राइज टैकल। क्या ये बहुबली अपना काम करना चालू कर दिए हैं? 19-22 का स्कोर हो गया है। नाम है मनोज बाली, कभी न जा रहे खाली। इसे साथ आलोट कर दिया है, 22-22 का स्कोर हो गया है यहां पर। क्या ये वापसी का संकेत है बड़ौदा बाजार की तरफ से? ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5
5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट समय से इस मैच का गजब का मुकाबला हो रहा है। कहां यहां पर टीम 6 पॉइंट से पीछे थी, कहां यहां पर मात्र 2 मिनटों में ही चेंज हुए हैं। और एक इस बार स्कोप जो है हर्ष तनवर ने फिर से एक लीड बनाए है 3 पॉइंट वाली। हेलो दूसरी पुकार प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा, दोनों टीमें तैयारी पूर्ण कर ले। मनोज वाले चल है पर बोनस का प्रयास और ये टच का मांग कर रहे थे, सफलतापूर्वक टच मिला हमें। तीस 25 का स्कोर है, 2 पॉइंट से बढ़तर यहां पर मुंगेली अभी भी चल रहे हैं हर्ष के बदौलत। अगला रेड देखिए, सुपर रेड लगा दिए थे, स्किप किए कवर पे, कवर को काटे, लेफ्ट कॉर्नर भी आ गए थे सहयोग करने के लिए और राशि जमा हो गया यहां पर हर्षनंदन के खाते में। इस बार खाली है वापस और अब चल है बाली रेड पर, राइट कॉर्नर को शिकार बनाए थे। अगला रेड में यहां पर बोनस का प्रयास हुआ है और शायद कट लाइन है, पूरा पैर उठना चाहिए बोनस में, तभी बोनस मान्य होता है। शुभम चले हैं रे पर, तीस 25 का स्कोर है, 3.5 मिनट समय है इस मैच में। फिर से मनोज वाले चले हैं रेड पर, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है मनोज वाले के लिए और राइट कॉर्नर पे जो डिफेंडर है विशाल है, क्या विशाल को शिकार बनाएंगे या फिर विशाल उन्हें शिकार बना लेंगे, देखना यही है। बोनस प्लस 1 पॉइंट लेके आए हैं और अच्छे खिलाड़ी को बाहर किया है, तनवर को ही बाहर कर दिए हैं, 2 और डायरेक्ट आ गया है, दर्शक चिल्ला रहे हैं 2 और डायरेक्ट आ गया है, खतरे के घर में क्या यहां पर चालू हो चुके हैं। अच्छा टैकल, फिर से एक बार स्कोर बढ़त पर 1 पॉइंट से बाहर, 25-26 का स्कोर हो गया है। ये लीग मैच में ऐसे जब मुकाबले चल रहे हैं तो अभी तो क्वार्टर फाइनल बाकी है और गर्मियां बढ़ सकती है, ये अभी आपने बहुत कम देखा है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आते आते आपको तापमान जो है 70 पार हो जाएंगे, अभी फिलहाल 50 पे चल रहा है। विशाल है रेड करने के लिए, अच्छे डिफेंडर्स हैं विशाल, कभी कभी रेड भी लगा देते हैं। 26-25 स्कोर है, 1 पॉइंट से बढ़त भी बलौदा बाजार चल रही है यहां पर, हमने बोला है कि इस मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब चल है बहु वाली रेड पर, 4 का डिफेंस कायम है, तो लगाए हैं लेकिन वहां पर विशाल कामयाबी का डंका बजा रहे हैं, पूरा का पूरा टीम वहां पे टूट गए उनके। 36 कौन जीतेगा भाई, दोनों तरफ से रेडर डिफेंडर्स पॉइंट पे पॉइंट ला रहे हैं। छब्बीस 26 का स्कोर चार गहरे पर और एक लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया है, किक लगा के मौके पे चौका लगाया है इस बार। हमने अक्सर कहा है कि विशाल छात्र खिलाड़ी है, 1 मिनट समय से अंतिम 1 मिनट समय से इस मैच का कुछ पेपर
अच्छा सफलिंग कर रहे हैं और एक वन पॉइंट मिला है यहां पर, गलती हुआ विशाल से, संयम खोए हैं, 27-27 स्कोर हो गया है। ये रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का ये सीजन 9 का ये मैच है, लीग का आखिरी मैच है। संभवतः एक से दो रन हो सकती है इस मैच में। स्कोर है, क्या ये मैच भी टाई होंगे या फिर यहाँ पर कोशिश करेंगे बहुबली पॉइंट लाने के लिए। टाइम ओवर, मैच समाप्त। ये आखिरी मैच है इस लीग का, उसके बाद क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जाएंगे और 27-27 के यहाँ पे मैच आगे हो गया है। दोनों टीम शेष करेंगे CGKPL 2024 सीजन मुंबई में कवर्धा जिला कबड्डी संघ के सचिव श्री राकेश कश्यप जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके स्वागत के मैं श्री महेंद्र पटेल को आमंत्रित करूंगा। वे कवर्धा कबड्डी संघ के सचिव श्री राकेश कश्यप जी का फूल पुस्तक से स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र पटेल जी।